हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं नरेंद्र और आप हैं मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैथ्स गुरु सुनने में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जेबीटी टेट का जीके पोर्शन से। पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7.4। सेकंड क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था, तो ये स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज हो जाती है, तो ये हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पे है, टशीगंग में। हमने विटामिन B2 का अदर नेम बताना है, ये होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पुष्कर मेला है उसका आयोजन कहां पर किया जाता है, ये किया जाता है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रोहतांग टनल है इसका शिलान्यास किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल के प्रथम लोका आयुक्त कौन थे, ये थे TBR टाटाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5, और अस्थायी कितने होते हैं, 10, टोटल कितने होते हैं, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस और फारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं, ये होते हैं -40°C। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG का पूर्ण विस्तार फुल फॉर्म बतानी है, ये होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सांबर झील कहाँ पे है, ये है राजस्थान में, और हिमाचल पर लाल छाया इसके लेखक कौन थे, शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था, ये गिराया गया था 1945 को, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इस वक्त है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक सूत्र बताना, ये होता है CSO4½H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल स्थलचर कौन सा है, ये है मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव की ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है, तो ये है 20 Hz to 20,000 Hz, ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का जो स्तूप है वो किसने बनाया था, ये बनाया था अशोका ने। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में किसकी पाई जाती है, ये पाई जाती है नाइट्रोजन की, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है, ये होता है सीमेंट के उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी नदी का संस्कृत नाम, ये है इरावती। दोस्तों, जो 1857 का विशाल विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था मेरठ से स्टार्ट। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी, ये थी डिकी डोलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, ये है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सुमेल करने हैं, तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो क्या है, करणम मलेश्वरी, ये वेट लिफ्टिंग है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये है GV मावलंकर।